बेरोजगार परीक्षार्थियों विद्यार्थियों को समर्पित ज्ञानधारा हरसोली चैनल में आपका स्वागत है। साथियों एक बार फिर हाजिर है आपके लिए एक और शिक्षा विभाग से जुड़ी बड़ी खबर लेकर के। खबर है BSTC से, जहां पर फर्जी वेबसाइट बनाकर रुपये ऐंठने का मामला सामने आया है। साथियों आपको बता दें, इसको लेकर के FIR भी दर्ज कराने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि फर्जी VSTC का डोमेन रजिस्टर्ड करवा के और इसके बाद युवाओं से रुपये ऐंठने का ये बड़ा मामला सामने आने के बाद से शिक्षा निदेशक ने तत्काल कार्रवाई करने के आदेश भी जारी कर दिए गए। आपको बता दें, विभाग की ओर से इस मामले की तहकीकात की गई तो पता चला कि predl.org के नाम से एक डोमेन रजिस्टर्ड करके और एक वेबसाइट बनाई गई है। जो भी साथी हमसे जुड़े हुए हैं, आप सभी को ये बड़ी खबर इसलिए दी जा रही कि आप सावधान रहें और इसी किसी भी प्रकार की ऐसी फर्जी वेबसाइट के चक्कर में ना आए। देखिए ये लोग किस प्रकार से आपको झांसा देकर फंसाने की कोशिश करते हैं। इसके टाइटल में वेलकम टू राजस्थान BSTC 2020 ऑफिशियल वेबसाइट 2020 प्रदर्शित है, जबकि इस वेबसाइट का नोडल एजेंसी से दूर तक कोई संबंध नहीं है। डोमेन रजिस्टर्ड कर्ता की ओर से ऑफिशियल शब्द का भी इस्तेमाल किया गया है। अभ्यर्थियों को गुमराह करने का प्रयास इस फर्जी वेबसाइट बनाने वालों ने ऐसा करके न केवल युवा आशार्थियों को गुमराह किया। आपको बता दें, pre-DL.ED परीक्षा के लिए अधिकृत शासकीय व्यवस्थाओं को धचा बताकर अनाधिकृत रूप से pre-DL.ED परीक्षा की वेबसाइट का डेटा भी ये लोग चोरी कर रहे हैं और उसको तोड़ मरोड़ कर फिर फर्जी वेबसाइट पर इसको प्रदर्शित कर बेरोजगार युवाओं को भ्रम फैला रहे हैं। साथियों बड़ी अपडेट है BSTC परीक्षार्थियों के लिए, जहां पर ये बड़ा मामला सामने आया है। ज्ञानधर हरसोली चैनल की तरफ से आप सभी बेरोजगार अभ्यर्थियों को ये आगाह किया जाता है कि आप ऐसे किसी भी प्रकार की फर्जी वेबसाइट के चक्कर में ना आए। अगर आपको इससे संबंध में किसी भी प्रकार की कोई शंका है तो आप सीधा हमें भी कमेंट कर सकते हैं। ये राजस्थान के विद्यार्थियों और बेरोजगारों को समर्पित चैनल है, जिसमें हम आपके लिए प्रत्येक प्रमाणिक खबर ही लेकर आते हैं और हजारों जो युवक हैं, हजारों जो हमारे बेरोजगार साथी हैं, उनकी शंकाओं का समाधान भी करते हैं। यदि आपको इसके संबंध में किसी भी प्रकार की कोई जानकारी लेनी है तो आप हमें सीधा कमेंट कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, तो हम आपकी ऐसी शंकाओं का समाधान करेंगे। साथियों आपको एक बार फिर बता दें कि BSTC pre-DL.ED विभाग की तरफ से विद्यार्थियों को कोई किसी प्रकार का प्रलोभन नहीं दिया जाता है। ये देखिए बड़ी अपडेट है, इसमें आपको बता दें इनकी तरफ से एक फर्जी फेसबुक ID भी बनाई गई है। इस प्रकार एक बड़ी साजिश और एक बड़े घोटाले का पूरा प्रकरण ये सामने आया है। तो ये बड़ा प्रकरण है साथियों, आपको बता दें pre-DL.ED 2020 परीक्षा के लिए अधिकृत जो वेबसाइट है pre-DL.IN और pre-DL.COM, आप इस पर जाकर ही किसी भी प्रकार की जो सूचना है वो इकट्ठा करें। फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है, शंका होती है, आप हमें भी कमेंट कर सकते हैं। आपको बता दें इसके अतिरिक्त कोई भी वेबसाइट और फेसबुक पेज pre-DL.ED 2020 का नहीं है, आप ओरिजिनल ऑफिशियल जो वेबसाइट है उस पर ही जाएं। यदि आपको अभी भी शंका है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन सी वेबसाइट प्रमाणिक है जिस पर आपको जाना है। तो साथियों pre-DL.ED परीक्षा की फर्जी वेबसाइट बनाने का ये मामला सामने आने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी विधि और प्रारंभिक शिक्षा जयपुर को साइबर सेल में FIR दर्ज कराने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। तो आप इस किसी भी प्रकार की जो फर्जी वेबसाइट है या किसी के लोभ लालच और बहकावे में नहीं फंसना है, क्योंकि BSTC pre-DL.ED किसी भी परीक्षार्थी को किसी भी प्रकार से कोई लालच लोभ नहीं देता है। तो साथियों ये बड़ी अपडेट है जो हम आपके सामने सबसे पहले प्रमाणिक तौर पर लेकर आए। शिक्षा विभाग से जुड़ी इस प्रकार की प्रत्येक बड़ी अपडेट लगातार पाने के लिए आप जुड़ रहे हैं हमारे साथ में, और इस प्रकार की प्रत्येक बड़ी खबर का नोटिफिकेशन आपको लगातार समय पर मिलता रहे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथियों ये राजस्थान के बेरोजगार विद्यार्थियों और परीक्षार्थियों को समर्पित चैनल है, जिस पर हम आपकी प्रत्येक समस्या के समाधान का पूर्ण प्रयास करते हैं। आज की इस वीडियो में साथियों बस इतना ही, नमस्कार।